तो इस बार का YouTube का इनकम मैंने इस फोन पे लगा दिया ताकि आपका 25,000 रुपए आप लगाना चाहते हो ये स्मार्टफोन पे, तो ये कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। और गाइस आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि जब भी कोई भी स्मार्टफोन का मैं जब भी रिव्यू देता हूँ या आपको सजेस्ट करता हूँ तो मेरे लिए प्राइसिंग बहुत ही बड़ा फैक्टर करता है। और ये जो रेडमी का नोट 12 प्रो है इसका जो 6GB 128GB का वेरियंट है इसका जो दाम रखा गया है वो 25,000 रुपए रखा गया है। हाँ वो बात की बात है, अगर आपके पास कार्ड वगैरह है तो आपको 3,000 का वहाँ पे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन हर किसी के पास तो कार्ड रहता नहीं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इस फोन को 25,000 के हिसाब से बताने वाले हैं कि 25,000 के हिसाब से ये स्मार्टफोन कैसा है और साथ ही साथ किस यूजर के लिए ये सूटेबल फोन होगा। अब गाइस ये जो स्मार्टफोन है ना ये मैंने एक्सचेंज करा के लिया है, रेडमी का 9 पावर मेरे पास था उसको मैंने एक्सचेंज में डाला था, एक्सचेंज के वक्त वहाँ पे 8,000 रुपए दिखा रहा था, लेकिन जब डिलीवरी वाले भैया आए तो आपको पता है कि वहाँ पे बहुत तरह का चोचलाबाजी होता है कि भाई नहीं ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना 10 तरह की चीजें बता के आपका प्राइसिंग को ड्रॉप कर देते हैं। उस केस में मुझे रेडमी का 9 पावर का जो है 6,500 रुपए जो है एक्सचेंज पे मिला और साथ ही साथ जो है कुछ कैश मैंने पे करके स्मार्टफोन को ले लिया। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कहे कि यहाँ पे हम एक वीडियो लाने वाले हैं, डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट का एक्सचेंज पॉलिसी कैसा है, किस केस में आपको स्मार्टफोन को एक्सचेंज करवाना चाहिए जिससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिले और किस केस में आपको स्मार्टफोन को एक्सचेंज नहीं कराना है बिल्कुल भी, और जो डिलीवरी वाले भैया आते हैं उसे किस टाइप से हैंडल करना, तो सब कुछ वो डेडिकेटेड वीडियो में बताऊंगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वो वीडियो भी जल्द ही मैं लाने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं डब्बे के ऊपर कि ये जो डब्बा है ब्लैक रंग का इसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है, पीछे की तरफ क्या लिखा गया नहीं लिखा हो उस पर हम लोग चर्चा नहीं करने वाले। डब्बा जैसे आप खोलते हैं तो वहां पे आपको जो है फोन मिल जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, 67 वॉट का एडेप्टर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एक आपको बैक कवर मिल जाएगा, टाइप सी वाला केबल भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बाकी डब्बा में और कुछ नहीं दिया गया भाई। अब इस बात करें इन हैंड फीलिंग के बारे में, जब आप फर्स्ट टाइम मोबाइल को यूज करते हो तो यूज करने में किस टाइप का फिंगरप्रिंट, किस टाइप का बटन पोर्ट्स क्या फलाना ढिमकाना वो सारी चीजें मैं यहाँ पे रैपअप कर देता हूँ। बैक साइड से देखेगा तो ये प्लास्टिक का यहाँ पे आपको पैनल देखने को मिल जाता है, लेकिन ये आपको प्रीमियम फील दिलाएगा, ये आपको बिल्कुल भी थर्ड क्वालिटी प्लास्टिक वाला फील नहीं कराने वाला, जब आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कीजिएगा ना तो बेशक जो है प्रीमियम तो आपको ये देखने मिलेगा। और जो कैमरा का यहाँ पे डिजाइन भी दिया गया है वो ग्लास का दिया गया, साथ ही साथ जो कैमरा का जो यहाँ पे सर्कल दिया गया है वो आपको मेटल का देखने को मिल जाता है, जो फ्रेम दिया गया है यहाँ पे शायद ये मेटल का ही यूज किया गया, थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है। बाकी नीचे की तरफ टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा यहाँ पे, और आयर ब्लास्टर भी मिल जाएगा, 3.5 का जैक भी मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और इसमें आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट मिल जाता है, इन डिस्प्ले होता तो और भी अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट दिया गया है मेरे भाई वो काफी ज्यादा फास्ट है, अभी तक मैंने जितनी मरतबा इसे अनलॉक किया एक बार में ओपन हो गया, कहीं पे भी अटका नहीं। वो बात की बात है कि अगर आपका अंगूठा में थोड़ा बहुत गंदगी फंसा हुआ ना तो कभी कभी नहीं भी खुलता, तो उसके लिए ये मत सोचिए कि फिंगरप्रिंट खराब है, इसके लिए सोचिए कि आपको अंगूठा जो है लाइफ से धोना पड़ेगा। बाकी ये जो स्मार्टफोन इसमें आप ड्यूल सिम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी तरह का आप एसडी कार्ड नहीं लगा सकते, लेकिन 128GB का इंटरनल दिया गया जिससे आप आराम से जितना भी डेटा वगैरह होता है ना वो रख सकते हो, कम नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जहां तक बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात है तो पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया जिससे जो है काफी ज्यादा जो प्रीमियम डिवाइस लगता है, और साथ ही साथ जो साइड के बेजल्स वगैरह भी दिए गए ना वो इक्वली यहाँ पे मेंटेन किया गया जिसके कारण जो है आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे निकल के आता है, और यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले देने के कारण जो है डिस्प्ले और भी अच्छा लगता है, बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको। बस एक छोटा सा ध्यान ये रखिएगा कि इसका जो विड है ना यानी कि जो चौड़ाई है डिस्प्ले का वो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि अगर आप एक हाथ से यूज करते हैं और अगर आपका हाथ थोड़ा सा छोटा है तो प्रॉब्लम आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। जो डिस्प्ले का लेंथ है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन बहुत ही सुपीरियर है, बस छोटे हाथों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, मतलब पूरा का पूरा बॉक्सी वाला डिजाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जहां तक बात है प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे डायमेंसिटी का 1080 वाला यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6 NM पे ये बेस है, UFS 2.2 के साथ आ जाएगा, LPDDR4X वाला RAM यहाँ पे देखने को आपको इसमें मिल जाएगा। अब जहां तक बात है गेमिंग के बारे में तो गेमिंग भी मैंने इसमें किया था, गेमिंग में मुझे ऐसा चीज कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिला, साथ ही साथ डे टू डे वाला जितना भी तरह काम धंधा होता है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी तरह की चीजें होते हैं डे टू डे वाला में जितना भी आप यूज करते हो ना उसमें कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। 1080 वाला जो प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, और गेमिंग के लिए भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हो। अब गेमिंग के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है, और इसमें आप गेमिंग वगैरह करते हो तो परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलता है, खेलने में आपको मजा आएगा, तो कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो, थोड़ा सा हार्ड कोर गेमिंग भी कर सकते हो। अब ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इस फोन को लेकर टूर्नामेंट में चले जाइएगा, खेल सकते हो मजा ले सकते हो इतना कह रहे हैं। तो अभी तक मैंने जितना भी यूज किया उस बेसिस पे मुझे तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं इसे डिटेल रिव्यू भी लाऊंगा जहां पे छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज भी आपको बता दूंगा। अभी जो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ वो 2 दिन स्मार्टफोन को यूज करने के बाद दे रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास मोबाइल आ गया था लेकिन मैं इसे अच्छे से यूज करा था, बेशक वीडियो आपको लेट मिले लेकिन ऑथेंटिक वीडियो मिले, मेरा तो बस काम यही रहता है। और
आपका काम यही रहता है कि भाई नीचे वाला सब्सक्राइब बटन टिप दीजिए, मजा टाइप आता हमारा कलेजा में भी यार आपका भी कलेजा में। देखिए जहां तक बात इसके डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले में कोई भी तरह का कमी नहीं दी है, मक्खन की तरह इसका स्क्रीन चलेगा, स्क्रॉलिंग कीजिए ब्राउजिंग कीजिए कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस वाला यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया, वाइड 1L1 का भी सपोर्ट दिया गया, एचडीआर 10 का भी यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, पंच होल वाला डिस्प्ले दिया गया, जिसके कारण जो है यहाँ पे अगर मूवीज वगैरह देखते हो, नेटफ्लिक्स ज्यादा देखते हो, यूट्यूब ज्यादा देखते हो ना मेरे भाई, तो बहुत ही ज्यादा आपको इसके डिस्प्ले में मजा आने वाला। जो कलर वगैरह भी निकल के आता बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही अच्छा यहाँ पे निकल के आता। अब क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना मेरे भाई, तो आप मूवीज वगैरह देखिए आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। 900 nits का जो है ब्राइटनेस यहाँ पे दिया गया, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कम है, कम नहीं मेरे भाई, धूप में कितना देर तक खड़े रहते हो आराम से दिख जाएगा, प्रॉब्लम लेने की जरूरत है। जो लोग आपको बोल रहे हैं रेडमी नोट 11 प्रो प्लस में जो है आपको 1000 nits मिल जाता था, इसमें 900 क्यों दिया मेरे भाई, भाई धूप में दिखता है ना मेरे, 900 दो या 800 दो, धूप में दिखना मांगता। बाकी इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है। जहां तक बात इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, बहुत ही क्लियर और बहुत ही जबरदस्त जो है यहाँ पे साउंड क्वालिटी म्यूजिक वगैरह इसमें आप सुन सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे मेरे भाई। देखो जो चीज फील करता है ना मेरे भाई वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जब स्मार्टफोन को जब आप अपने हाथ में लेके यूज करोगे ना तब आपको समझ में आएगी हाँ भैया क्या चीज है। अब जहां तक बात इसका कैमरे के बारे में, यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा वाला सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया, 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी वाला कैमरा दिया गया है। अब चूंकि यहाँ पे सोनी का सेंसर यूज किया गया, IMX766 वाला सेंसर OSB इसमें दिया गया है, तो इसका कैमरा टेस्ट तो बनना लाजमी मेरे भाई, इसलिए मैं जो इसे मैथन लेके चला गया था और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बिरसा मुंडा भी लेके चला गया था, यानी कि मैंने इसमें दबा के 2 दिन जो है बढ़िया से कैमरा को टेस्ट किया और इसका वीडियो भी जल्दी चैनल पे आ जाएगा। जहां तक बात है वीडियोस और फोटोज के बारे में, तो ये जो सेंसर है आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही अच्छा सेंसर है, फोटोज वगैरह में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, वीडियोस वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन जब मैं यहां पे OIS को यहां पे टेस्टिंग कर रहा था तो कहीं जगह जो है अच्छे से काम कर रहा था, कहीं जगह काम नहीं कर रहा था, यहां पे थोड़ा सा सैंपल आप देख लीजिए। बाकी डिटेल में इन डेप्थ में हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका कैमरा कैसन बाका है, कि 25,000 रुपए लग रहा है भाई, 25,000 रुपए कोई छोटा मोटा तो अमाउंट नहीं होता, तो इसलिए अच्छे से टेस्ट किए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो आने में, आराम से रहिएगा वीडियो आपको मिल जाएगा। अब चूंकि स्मार्टफोन को मैंने दबा के यूज किया था इसलिए मुझे इसका बैटरी बैकअप का अच्छे से आइडिया हो गया, बैटरी बैकअप को लेकर आपको कोई भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 5 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 67W का फास्ट चार्जिंग दिया गया, चार्जिंग के वक्त मोबाइल गर्म भी नहीं होता है, कैसे भी यूजर हो तो आराम से जो है आपका एक दिन तो ये निकाल के दे देगा, हेवी यूजर भी हो ना तो भी आपका निकाल के दे देगा। जहां तक बात है यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो MIUI आपको 13 यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 12 के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। अब जहां तक मैंने स्मार्टफोन को यूज किया तो एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा लगा, थोड़ा बहुत ब्लोटवेयर आपको मिल जाता है आप उसे हटा सकते हो, 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट भी मिल जाएगा और 4 साल का सिक्योरिटी का भी अपडेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जिन लोगों को MIUI 13 से प्यार है मेरे, आराम से बहुत ही स्मूथली चलता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, एक्सपीरियंस आपको अच्छा ही मिलेगा। अब गाइस टेक्निकली देखा जाए तो ये कोई अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं था, अनबॉक्सिंग कम ये रिव्यू होगी जिसमें मैंने अपना ओपिनियन भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया, अगर आपको जल्दीबाजी में डिसीजन लेना है तो कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। बाकी अभी और भी वीडियो आने वाला है इस फोन को रिगार्डिंग लेके, इसका कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, गेमिंग वगैरह लंबे समय तक करते तो किस टाइप का यहाँ पे खेला होने वाला है, वो सारी वीडियो जो है आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग मुझे पूछे थे कि 25,000 रुपए के हिसाब से ये स्मार्टफोन कैसा है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 25,000 के हिसाब से ठीक है, बोल सकते ओके सा है, लेकिन अगर आपको 20-22,000 में मिले तो बिल्कुल आप इसे दबोच लीजिए, बहुत सारी चीजें आपको इसमें अच्छी अच्छी मिल जाती है, लेकिन 25,000 रुपए मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है। आप देखिएगा ऑफर वगैरह में ये आराम से आपको 20,000 रुपए तक में भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी नया नया जवानी वाला फोन है ना, कोई भी नया नया जवानी वाला फोन जब मार्केट में आता ना तो उसका प्राइसिंग थोड़ा सा ऊपर ही रखा जाता है, और यहाँ पे टेक्निक भी लगाया था कि लॉन्च प्राइस में आपको ये प्राइसिंग में मिल जाएगा, फलाना प्राइस में मिल जाएगा, ढिमकाना प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हो कि ये स्मार्टफोन का प्राइसिंग कितना होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 20-22,000 मैक्सिमम होना चाहिए, 25,000 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ बेशक आपका भी ओपिनियन अलग अलग हो सकता है तो मैं उसका बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके लिए टेंशन नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी रेडमी नोट 12 प्रो के बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।